हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए इसमें तो इस समय हम आपको कुछ अलग बताने जा रहे हैं। देखिए आर्ट आपको पढ़ा रहे हैं, कला। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी कुछ लोग, कुछ हमारे हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उसको पढ़ा लिए। देखिए क्लास टेंथ वालों के लिए बहुत जरूरी है ये, क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ वालों को थोड़ी प्रॉब्लम थी तो कह रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा बना देते। देखिए एमसीक्यू को जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें सही ऑप्शन का बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 नंबर बहुत मायने रखता है। और अगर आप उसको 20 नंबर नहीं निकाल पाएंगे समझ लीजिए आपका 4% कम हो जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर मत समझिए। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा था हमने उसको क्या कर दिया, लिख के हमने बना दिया है। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, पेपर में जरूर आएगा। देखिए बता रहे हैं, जैसे अब आपको हम देखिए सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे बताइएगा हमको, दे रहा? चलिए ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दिया? अब दे गया यार, नहीं दिखाई दे रहा है? अब देखो, हाँ दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, देख देखते हैं। देखिए इसमें जो कुछ है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, गर्म रंग, जो गर्म रंग होता है, ठीक है, गर्म रंग लाल को कहते हैं, शीतल रंग हरा को कहते हैं। प्राथमिक रंग तीन होते हैं, पीला लाल नीला। संभव त्रिभुज की जो कोण होता है 60° होता है। देखिए कला शब्द जो होता है संस्कृत से बना है। मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में थी। ठीक है, ठंडे रंग हरा और नीला कहते हैं। द्वितीयक रंग जो है नारंगी है। तटस्थ रंग जो होता सफेद काला है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी जो लखनऊ में स्थित है। देखिए 10 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन ने इधर बनाया है। इंद्रधनुष में रंग 7 रंग होते हैं। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। महाभारत में चित्रकार का नाम चित्रलेखा था। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे त्रावणकोर के। हरा रंग नेत्रों पर प्रभाव ठंडा डालता है। राजपूत कला किस राज्य से है? राजस्थान से है। दरबारी चित्रकला मुगल काल को कहते हैं। अजंता, ठीक है, अजंता तो हमने लिख दिया है अजंता। ठीक है, देखिए अजंता की जो कुल गुफाएं 29 है। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार मिला था? वह रविन्द्रनाथ टैगोर को। सफेद रंग का विरोधी कौन है? काला है। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? संसारचंद थे। देखिए इस तरह जो है हमने जो है हमको जो सही लग रहा था, ठीक है, देखिए आप लोग ना दिखाई दे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मतलब आपको ना दिखाई दे तो हम बड़ा कर देते हैं। देखिए ठीक है, आपको बड़ा कर दिए, आपको दिखाई दे जाए। देखिए दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, गलत ना होने पाए ताकि आपका ओके बिंदु। देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना? दिखाई देगा यार। ठीक है, देखिए इस तरह जो हमने था हमने जो है 22 क्वेश्चन में बना दिया। और कल हम इसको और खोज के और देखते हैं अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, उसको भी हम बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसे इसको भी थोड़ा पढ़ाते जाएंगे ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आप अगले वीडियो में और कुछ हम जब बनाएंगे तो उसको डाल देंगे अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो कल हम बनाएंगे, बहुत रात हो गई है, चलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।